नजारे हैं यार, लिप्स मैकिंग है डेलिशियस है, एक से बढ़कर एक है यार, हर पल हर दिन नया नया ये स्वाद का सफर, हमारा जायके का सफर, हमारा जायके का सफर, हमारा जायके का सफर, हमारा जायके का सफर। अदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हम सफर, धारा जायके का सफर, धारा जायके का सफर, धारा जायके का सफर, धारा जायके का सफर। हेलो एंड वेलकम टू धारा जायके का सफर। मंसूरी, जी हाँ, ये है मसूरी का पुराना नाम। मंसूरी नाम इसलिए पड़ा because of the presence of a shrub known in the local language as the मंसूर plant. धारा जायके का सफर के इस सफर में हम पेश करेंगे मसूरी के जायके दो एपिसोड्स में। तो आइए इस एपिसोड में लेते हैं उस मॉडर्नाइज्ड मसूरी का जायका जिसे आप ऑलरेडी इन जनरल जानते होंगे। लेट अस स्टार्ट विद द लैंडस्केप सेक्शन। मसूरी को इन्वेंट करने का श्रेय गोज टू कैप्टन यंग इन 1825 एडी, जब वो शिकार खेलने यहां आए और धीरे धीरे ये जगह उन्हें भा गई। जल्दी ही ये जगह प्लेन्स की गर्म आबो हवा में रहने वाले ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच चर्चा का विषय बन गई और उन्होंने इसे अपना मिलिट्री स्टेशन बना लिया और फिर बदलते हालात में इसने एक हिल स्टेशन का रूप ले लिया। टुडेज मॉडर्न मसूरी लुक्स लाइक अ सिटी इक्विप्ड विद मॉडर्न एमिनिटीज। आज यहाँ आधुनिक होटल, मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, बस, टैक्सी, सब कुछ मौजूद है। यूं तो पहाड़ी मौसम के शौकीन देश विदेश के किसी भी हिस्से से यहाँ आते रहते हैं, लेकिन यहाँ की सड़क अगर जैम पैक्ट हो जाए तो उसका क्रेडिट गोज टू यूपी, पंजाब और दिल्ली वालों को, जिन्हें एक हिल स्टेशन की तलाश में सबसे ज्यादा सूट करती है ये जगह। The climate of मसूरी is very healthy, क्योंकि यहाँ पर देवदार, चीड़ और बांज जैसे पेड़ों की स्वच्छ हवा मिलती है। मसूरी में अप्रैल से जुलाई तक मौसम थोड़ा गर्म रहता है। जुलाई में बरसात शुरू हो जाती है। सितंबर और अक्टूबर में यहाँ मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। कोई भी टूरिस्ट जब किसी नई जगह पहुँचता है तो वो जानना चाहता है वहाँ के बाजार यानी मार्केट्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं मसूरी की मार्केट्स में। ये है कुलरी बाजार, जो यहाँ की फेमस मॉल रोड पर है। इस मार्केट में आपको हर इम्पोर्टेंट एंड नॉट सो इम्पोर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। और ये है यहाँ का लाइब्रेरी बाजार, जो काफी पुराना भी है, लेकिन आज की जरूरतों ने इसे आज जैसा बना दिया है। और आइए अब थोड़ा घूमते हैं मसूरी के आसपास। ये है मसूरी से 24 किलोमीटर दूर धनौल्टी फॉरेस्ट रेंज। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से आप हिमालय की खूबसूरत पीक्स को देख सकते हैं। यहाँ पर चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। केम्प्टी फॉल्स, मसूरी से करीब 15 किलोमीटर दूर ये जगह टूरिस्ट्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। फुर्सत में वीडियो गेम्स खेलने का अपना अलग ही मजा है। इंडो जापानीज कोलैबोरेशन से 1970 में यहाँ रोपवे ट्रॉली सर्विस शुरू की गई, जो टूरिस्ट को करीब 400 मीटर ऊपर गन हिल पॉइंट तक ले जाती है। कहते हैं मसूरी की आबोहवा ऐसी है कि यहाँ आकर भूख लगने लगती है। मॉडर्नाइज मसूरी की रंगीनियां, कुछ दिन सैर सपाटी के लिए कितनी अच्छी जगह है ये। अभी आप देखते जाइए हम और कौन से जायके ला रहे हैं अपने फूडस्केप सेक्शन में। मसूरी पहुंचे तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ घर ज्यादा है या होटल एंड रेस्टोरेंट। के जायकों में आपको वो सब कुछ मिलता है जो दिल्ली या फिर किसी दूसरे शहर में अवेलेबल है। साउथ इंडियन खाने, नॉन वेजिटेरियन खाने, शुद्ध वैष्णव खाने, चाइनीज, कश्मीरी, कॉन्टिनेंटल, तिब्बतन फूड, फास्ट फूड जॉइंट्स, स्वीट्स, आइसक्रीम्स एक्सेट्रा। कुलरे बाजार या मॉल रोड मार्केट में खाने के लिए शुद्ध वैष्णव भोजन और नॉनवेज खाने के कई रेस्टोरेंट्स हैं। बंगाली मिठाई के लिए यहाँ एक पुरानी और अच्छी दुकान है। लाइब्रेरी बाजार में अब कई नए रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं जहां आप गुजराती, बंगाली और मद्रासी खानों का जायका ले सकते हैं। मसूरी में कई ऐसे मॉडर्न रेस्टोरेंट्स भी हैं जहां दिन भर की थकान के बाद खाने पीने के साथ यू कैन एंजॉय द डांस एंड म्यूजिक। अभी और भी है बहुत कुछ धारा जायके का सफर के इस सफर में, बट फर्स्ट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू धारा जायके का सफर। इन ईच ऑफ आवर एपिसोड वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ न्यू डिश जो आप अपने घरों में आसानी से बना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मंजोली, जो एक स्पेशल गढ़वाली डिश है, वो कैसे प्रिपेयर की जाती है। टुडे विद अस वी हैव आवर शेफ मिस्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट, जो हमें बताएंगे कि मंजोली की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो मिस्टर बिष्ट, इस मंजोली की प्रिपरेशन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें हम लोग चावल का माँ और छाछ, जिसे हम लोग मट्ठा भी कहते हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चा का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, राई और जीरा और रिफाइंड ऑयल, जीरे को छौंक लें। इसे सबसे पहले हम लोग माँ चावल का, ये इसका कोई स्पेशल प्रोपोर्शन होता है like इतने चम्मच चाहिए और नहीं, ये 50, ये तो आप अपने जितने हिसाब से आप लोगों को, आप जितने पर्सन्स के लिए बनाना हो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो कितना लग जाता है पर पर्सन? पर पर्सन में आप लोग 150 ग्राम्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो हो गया मांड। अब इसके बाद क्या डालेंगे? इसके बाद हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे छाछ, जिसे मट्ठा भी बोलते हैं। इसमें वो रेशियो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अच्छा। जो हमने उसमें, जैसे मतलब आपने 3 चम्मच करीबन इसके डाले थे। हाँ जी, तो ये भी उतना ही पड़ेगा। ये कितनी डलती है? ये स्वाद अनुसार, कोई लोग लहसुन अदरक कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। इसमें हरी मिर्चा का जो हमारा रेशियो है वो आप अगर तेज खाना चाहें तो तेज डाल सकते हैं। अच्छा, तो इसको कितनी देर आपको यूं ब्लेंड करना पड़ता है? इसे हमें ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर बिल्कुल इसमें, जब तक ये मिक्स ना हो जाए प्रॉपर्ली, क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा है। इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अच्छा। अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, ये तो आपने नमक भी डाल दिया, अब कुछ और भी एडिशन करनी होगी इसमें? हम अगर चाहें तो थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, कलर के लिए। कलर के लिए। तो इसका मतलब एस्टिमेट क्या होता है? थोड़ा बहुत, जितना भी, जितना गाढ़ा कलर आपको चाहिए। हाँ जी, ठीक है। और अब इसके आगे? इसके आगे हम लोग रिफाइंड ऑयल को गर्म करके उसमें राई और, जैसे जख्या भी बोलते हैं गढ़वाल में, उसका छौंक लगा सकते हैं, और फिर हमारा ये मंजोली तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब आपने तेल तो गरम कर लिया, अब इसमें क्या डालें? अब इसके बाद हम इसमें जख्या, राई। ये कितना डालते हैं? ये ज़्यादा नहीं, 1-2 स्पून। और उसके बाद जीरा, अगर भुना हुआ जीरा हो तो ज़्यादा बढ़िया। क्यों? उससे जीरे में टेस्ट अच्छा आ जाता है। अच्छा अच्छा, अब इसमें ये डाल देंगे, है ना? ये सारा आपने मिक्सचर बनाया है जिसमें ये पेस्ट है और छाछ है। जी, तो ये सब इसमें डाल देंगे। ये आप इसमें लीजिए तैयार हो गया है आप मंझोली, आप सर्व के लिए बिल्कुल तैयार। इसमें हम थोड़ा सा गार्निशिंग कर सकते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा धनिया, इससे ये इसमें और खूबसूरती आ जाती है। तो ये थी गढ़वाली डिश मंझोली। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिश, लेट्स टेक अ क्विक रिकैप कि मंझोली को कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का मांड, छाछ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जीरा, जखिया, रिफाइंड ऑयल, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी। सबसे पहले हम इक्वल क्वांटिटीज में लेंगे चावल का मांड और छाछ। फिर मिलाइए अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक डालिए स्वाद अनुसार। अब रंग के लिए मिलाइए थोड़ी सी हल्दी। फ्राइंग पैन में रिफाइंड ऑयल डालें, 5 ग्राम जीरा और 5 ग्राम जखिया डालकर भून लें। तैयार मिक्सचर को इसमें डालकर फ्राई करें। इसे बोल में डालकर धनिया से गार्निश करें। लीजिए तैयार है मंझोली। अब बनाते हैं एक डिश जिसका बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है टुकुर। आइए पूछते हैं अपने शेफ सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी से कि टुकुर कैसे बनाते हैं। तो बिष्ट जी, ये टुकुर किस तरह की डिश है? ये टुकुर हम लोग कद्दू की बेल होती है, उसका जो ये आखिरी हिस्सा होता है मुलायम वाला, इसे हम लोग थोड़ा सा जहाँ तक मुलायम होता है वाला हिस्सा तोड़ के उसे अच्छी तरह धो के और इसे इस तरह निकाल के इसे अच्छी तरह पानी में धो के फिर हम लोग छोटा छोटा हिस्से में काट के इसे बना के आपको दिखाएंगे। यहाँ तो आप इसके बड़े फाइन हिस्से कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि इसके पूरा लीव यूज की जाए? नहीं, ऐसा होता नहीं है। अगर हो भी जाए तो ये बिल्कुल इसके अंदर इतना पानी होता है कि ये उसको गला भी देता है। ये रिफाइन ऑयल है। तो इसमें कितना रिफाइन ऑयल यूज कर लें? मुश्किल से 50 ग्राम्स। 50 ग्राम्स मैक्सिमम। तो मतलब जैसे जिस टीस्पून में 3 और 4 नॉन स्टिकिंग पैन। और ये जिस तरह आप हमारे लिए इतना एक या 2 स्पून टीस्पून बहुत है। ये आपने क्या डाला है इसमें? जीरा। अच्छा, तो ये आप सारे मसाले ऐड कर रहे हैं? सारे मसाले ऐड कर रहे हैं इसमें। ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें हम थोड़ा सा टमाटर डालेंगे। अच्छा, टमाटर डालें चॉप करा हुआ। अच्छी तरह भून लेंगे। तो आपको ये कितनी देर भूनना होता है? जब तक इसमें कि प्याज जो पड़ा है ब्राउन ना हो जाए, तब तक थोड़ा सा इसे हल्की आंच पे भूनते रहेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा मसाले डालेंगे। ये वाला है, ये गरम मसाला है, ये धनिया पाउडर है। हाँ जी। और जीरा तो हमने डाल दिया। और लाल मिर्ची भी? लाल मिर्ची हल्की सी टेस्ट के अनुसार। और नमक भी टेस्ट के अनुसार। इसमें अगर लाल मिर्च जो ना खाना चाहे वो अपना आपका इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, तो आपने इसमें अभी तक क्या क्या डाल दिया है? अभी सिर्फ इसमें मैंने गरम मसाला डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट है और बाकी डालना है। तो धनिया पाउडर डालना है। अच्छा, तो अब आपने नमक डालना है शायद, और लाल मिर्च रहेगी। अगर लाल मिर्च जो ना खाना चाहे वो हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, तो ये लाल मिर्च भी आप बिल्कुल स्लाइटली डालते हैं? स्लाइटली डालते हैं, जस्ट फॉर द टेस्ट। अच्छा, ये तो हमने सारे मसाले भी डाल लिए इसमें और सब कुछ भून लिया अच्छी तरह। बिल्कुल अच्छी तरह भून लिया। तो अब क्या अब ये टाइम है कि हम इसे डाल दें? बिल्कुल, अब इसे अच्छी तरह हम इसे डाल देते हैं। इसे अच्छा इसमें बस इसी के साथ भूनते रहेंगे। बट इसमें कितनी देर लग जाती है? ये सॉफ्ट बहुत होता है हाँ। इसमें मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेगा। अच्छा 10 से 15 मिनट सिर्फ? बस। तो इसके बाद जब आप इसे निकाल लेते हैं डिश हाँ में, तो इसे कैसे मतलब सर्व करते हैं? इसे थोड़ा सा हम लोग पनीर को कद्दूकस करके उसे थोड़ा सा वो ऊपर से डाल के और टमाटर साइड में लगा के उसे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह पूरी तरह गार्निश कर लेते हैं। गार्निशिंग कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाल देते हैं। कोकोनट पाउडर भी डालते हैं? तो मतलब गार्निशिंग के लिए आप कोकोनट पाउडर और चीज और क्या था टमाटर। अब मैं इसमें गार्निशिंग करता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप मतलब कि आपको तो पता है कि ये पक गया, लेकिन कोई अगर पहली बार बना रहा हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये सचमुच में पक चुका है? इसमें आप बीच में चेक कर सकते हैं हाँ। कि आप दबा के हाथ से कि ये पका है कि नहीं। वैसे ये इतना सॉफ्ट होता है 10 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम लगता नहीं है। अच्छा तो मतलब संभावना ही नहीं रहती है। तो ये क्या डाल रहे हैं आप? ये चीज़ ग्राइंड करा हुआ है। अच्छा ऊपर से पनीर डाला कद्दूकस करके। अब इसके बाद में टमाटर इसमें साइड में, और ये जो आपने कोकोनट भी पीसा हुआ है वो भी अभी लगाऊंगा मैं इसमें। अब देखते हैं। अब इसमें कोकोनट पाउडर साइड में, लीजिए तैयार है खाने के लिए। टुकुर बनाने के लिए हमें चाहिए कद्दू की बेल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड टोमेटोज, रिफाइंड ऑयल, सॉल्ट, जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर। और टुकुर की गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए कटे हुए टोमेटो और ग्रेटेड कोकोनट एंड पनीर। पहले हम कद्दू की बेल के आगे के हिस्से के रेशे निकालकर बारीक काट लें। फ्राइंग पैन में ऑयल डालकर फिर टमाटर, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा को डालकर उन्हें ब्राउन होने तक पकाएं। फिर इसमें नमक डालें स्वाद अनुसार। कटी हुई कद्दू की बेल को फ्राइंग पैन में डालकर चलाएं। इसे लगातार चलाते रहें। फिर इसे सर्विंग ट्रे में निकालकर गार्निश करें कोकोनट पाउडर, टोमेटो एंड ग्रेटेड चीज से। तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये आपने बहुत अच्छा बनाया है। जब तक मैं ये खाती हूँ आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और वापस आइए। वेलकम बैक टू धारा जायके का सफर। मसूरी की ये स्टीप क्लाइंबिंग, अगर लोग आदी ना हो तो पूरा रास्ता ही पहाड़ लगता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा क्लास भी है जो टूरिस्ट की मुश्किलों को आसान करता है। तो आइए डालते हैं एक नजर इन पर। सन 1920 तक मसूरी आने के लिए राजपुर से कच्चे रास्ते पर करीब 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, या फिर राजपुर में ही घोड़े और पालकी मिलते थे। सामान उठाने के लिए पहाड़ी कुली या नेपाली कुली मिलते थे। आजकल लोग बस, कार या टैक्सी से सीधे मसूरी पहुंच जाते हैं। अब वो जमाना तो नहीं रहा, लेकिन आज भी यहाँ बाजारों में या आसपास घूमने के लिए घोड़े और बेबी वॉकर्स मिलते हैं। मसूरी में स्ट्रेट पर गुजर बसर करने वालों की कमी नहीं, जो डिपेंडेंट है यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स पर। स्माइल प्लीज। आप मुस्कुराए और कैद हो गए अपनी पोस्टकार्ड साइज यादों में। किसी को बंदूक लेकर फोटो खिंचवानी है तो कोई राजा बनना चाहता है, या फिर दुल्हन बनने का आइडिया कैसा रहेगा? चमकीले गोटे लचके लगे कॉस्ट्यूम्स और मुर्रेदार पगड़ियों के साथ हाजिर हैं अनेकों फोटोग्राफर्स, जो मिनटों में आपको एक शरीफ इंसान से डाकू में बदल डालेंगे, और वो भी आपकी इजाजत लेकर। ओफो, मसूरी में एक तरफ इतना शोर शराबा, इतनी भीड़ भाड़, और दूसरी तरफ इतना सुकून, इतनी शांति। जी हाँ, मसूरी के यही दो ब्लेंड्स उसे और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मसूरी का ये रंग इज एक्चुअली द कंट्रीब्यूशन ऑफ, लेकिन नहीं, इस हफ्ते में आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी बिकॉज आवर टाइम इज रनिंग आउट फॉर दिस एपिसोड। सो सी यू अगेन सेम टाइम सेम डे नेक्स्ट वीक in your favorite program Dhara Zaike Ka Safar. Till then, bye bye.